हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और आज सुबह सुबह नहा लिए, उसके बाद जो है सारा काम करेंगे, क्योंकि काम करते करते ना लेट हो जाता है और फिर टाइम हो जाता है 2-3, इस तरह से काम ख़त्म करते करते 2 बज जाता है। तो नहाने में लगती है ठंडी, और ठंडी आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं शादी से, तो आज मेरा है सॉल्ट फ्री डे, क्योंकि मेरा बॉडी डिटॉक्स हो जाएगा सॉल्ट फ्री डे कर लेंगे तो। क्यों, शादी में आप तो जानते ही हैं, हर तरह का खाना पीना खाना पड़ता है और थोड़ा सा इंजॉय भी हो जाता है कि जो भी है उसको खाइए पीजिए, घर जा कर के दिखा जाएगा। तो बहुत कुछ ऑयली हो गया, मीठा हो गया, सब कुछ खाना पीना सब हुआ, तो आज सॉल्ट फ्री डे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले पानी से गर्मा गर्म पानी बनाएंगे, अभी जीरा वाला या फिर अजवाइन का जीरा, अजवाइन का पानी बनाएंगे। वो थोड़ा सा गर्म, उसका तासीर होता है, तो गर्म ठंडी के मौसम में सही रहेगा और वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए पहले पानी बनाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जीरा और अजवाइन का पानी चाय बना रहे हैं, जो भी कहिए ड्रिंक। तो उबल गया है, इसे बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं गर्मा गर्म चाय की तरह पियेंगे बैठकर आराम से, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज कर लेंगे। करने के बाद ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लेंगे तो इससे एनर्जी मिलता है। तो चलते हैं, बादाम को छील लेते हैं और ये इसे भिगो करके खाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है ये। तो फ्रेंड्स, अब नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता में सब ये तो रोटी बनाए, लेकिन ये मेरा है चना, अंकुरा हुआ चना है, तो इसमें सब मिक्स करेंगे और टमाटर वगैरह, उसके बाद नाश्ता करेंगे आराम से। नाश्ता करने के बाद ना फटाफट से लग गए खाना बनाने। आज संडे भी है तो सब लोग घर में हैं और सबकी छुट्टी है आज, तो सबको टाइम टाइम पे देना रहता है। बहुत ज़्यादा बिजी डे होता है संडे। तो नाश्ता करने के बाद खाना में सिर्फ चावल बचा है, बाकी सब बन गया है। तो चलते हैं, थोड़ा सा अभी ब्रेक लेते हैं और स्मूदी पी लेते हैं, क्योंकि सिर्फ चना खाने से ना अभी भूख लग गई है और स्मूदी पीना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। स्मूदी वेट लॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और ऐसे भी ठंडी के मौसम में हरी सब्जियां बहुत मिलती हैं, तो स्मूदी पीना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी चीज़ है ना कि स्मूदी से पेट सही रहता है, पेट साफ रहता है। कितने लोग बोलते हैं कि 32 बार फार्मूले से सर में दर्द होता है, पेट साफ नहीं होता है, तो इसका वजह यह है कि 32 बार फार्मूला जब करते हैं ना, तो चबा चबा कर जब खाते हैं तो थोड़ा खाना जाता है, और उसके बाद जो है चबाने से तो काफ़ी देर चबाना पड़ता है ना। आपने देखा होगा कि अगर ज़्यादा बोल भी लेते हैं तो ज़्यादा बोलने से भी जो है ये वाला जो जबड़ा है वो दर्द करने लगता है, सर दर्द करने लगता है, मुँह सूखने लगता है, प्यास लग जाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, और तो वही चीज़ होता है चबाने से जो है पूरा
एक तरह से समझिए सर दर्द नहीं, वो एक्सरसाइज है। पूरे सर का, पूरे एरिया जो इतना दूर से है ऊपर का, उसका एक्सरसाइज हो जाता है चबाते रहने से। और कुछ दिन ऐसा सर में दर्द होगा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर आप जब आदत पड़ जाएगा ना, तो आप जब नहीं खाएंगे, नहीं चबाएंगे बढ़िया से, तब आपके सर में दर्द होने लगेगा, ऐसा होगा। तो फ्रेंड्स, पेट साफ होने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है ये स्मूदी। स्मूदी बनाकर पीजिए, पेट बिल्कुल साफ रहेगा। ये देखिए, स्मूदी के लिए सब काट करके रखे हैं। ये सुबह में ही काट लेते हैं फ्रेंड्स, जब सब्जी बनाते हैं तब, नहीं तो फिर ना टाइम नहीं मिलता है। और जो है, कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम की वजह से सोचने लगते हैं कि छोड़ो हटाओ, बाद में फिर कल पी लेंगे, आज छोड़ देते हैं, आज स्किप कर देते हैं स्मूदी। ये ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो ये है पालक, टमाटर और ये चुकंदर, गाजर, ब्लैक वाला गाजर है। और सबसे ज़रूरी चीज़ बताएंगे कि ये अदरक ज़रूर लीजिए। और ये रहा आंवला, आंवला अगर कच्चा आंवला है ना, तो आप वो ले लीजिए। तो हमेशा घर में कच्चा आंवला नहीं रहता है, तो ये अचार हमने लगा कर रखा है, तो उसमें से अच्छे से मतलब इसका मसाला हटा करके और उसका जो है आंवला ले लेते हैं। तो ऐसे अचार लगा कर अगर रखेंगे तो आप सालों भर जो है अचार, ये आंवला खा सकते हैं। तो बस ये सबको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे एकदम बारीक, ताकि पीने में आसानी। चलिए तो इसे पीस लेते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स स्मूदी, चलते हैं इसे आराम से बैठकर पी लेते हैं। देखिए छुट्टी मना रहा है कबीरा, संडे, यहाँ चल रहा है कीवी, पूरा पैकेट लेकर के बैठ गया है। फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ सब्जी बन चुका है और ये रहा दाल, सबको खाना खिला लेते हैं। ये रहा आलू गोभी मटर की सब्जी। तो कहना है फ्रेंड्स कि अगर सब्जी भी सबके लिए भी बना रहे हैं ना, तो उसमें मतलब तेल कम डालिए। तेल सब्जी बनाते हैं तो तेल कम यूज़ करना है। और ये रहा ग्रीन चटनी, मूली, आंवला का अचार। तो चलते हैं खाना दे देते हैं, उसके बाद फिर खुद के लिए खाना। सब्जी अलग से बनाए हैं, आलू की भुजिया, वो बिना नमक का है। तो चलिए पहले खाना देख कर आते हैं। ये रहा कुलसुम का खाना, ऐसे दिख रहा है, सब उसी में डाल लो, मूली, सब्जी, भुजिया, चटनी, सारा, दाल वगैरह सब कुछ एक प्लेट में। खिचड़ी बना दो उससे अच्छा। पूरा ले ले? नहीं, और भी खाना है सबको। हम अपना निकाल लिए हैं बिना नमक का। आप बिना नमक का खाते हैं? हाँ, आज सॉल्ट फ्री डे है मेरा। इधर देखो। तो चावल कम है फ्रेंड्स और सैलेड ज़्यादा है। और उसके अलावा ये है बिना नमक का भुजिया और ये बिना नमक का चटनी। सबके लिए बनाए चटनी, लेकिन बाद में इसे मिलाए थे नमक अपने लिए निकाल करके। और भुजिया भी वही किए, भुजने के बाद जो है लास्ट में नमक डालकर मिला लिए और अपने लिए बिना नमक कर निकाल लिए थे। और ये रहा प्रोटीन, प्रोटीन मतलब कि दाल। तो ये एक कटोरी दाल तो ज़रूरी है और सैलेड। तो ये रहा खाना, बस चलते हैं आराम से, अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लेते हैं। खाना पीना हो गया सबका, और खाने के बाद जो ठंडी लगती है ना, वो आपको भी पता होगा कि कितना ज़्यादा ठंडी लगती है, बहुत। और ये साड़ी जो है ना, ठंड से हालत ख़राब कर रही है। साड़ी पहनने का रीज़न है कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है साड़ी। और हाँ, एक मेरी सब्सक्राइबर है, वो हमेशा जो है जब भी साड़ी में देखती हैं तो कमेंट जरूर करती हैं कि आप साड़ी में बहुत अच्छी लगती हैं। तो पता नहीं,
हमारे हस्बैंड को तो शुरू से जो है साड़ी पसंद है। कुछ भी होगा, कोई फेस्टिवल हो, शादी पार्टी कुछ भी हो, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन देंगे साड़ी लेने का। और अपनी मर्जी से सूट वगैरह लेती हूँ, लेकिन उनका मन रहता है साड़ी, तो कभी कभी पहन लेती हूँ साड़ी ताकि वो भी खुश हो जाए, क्योंकि फ्रेंड्स उनको भी खुश रखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स शाम हो गया है, अभी समझिए कि 4:30 बज रहा है, 5-6 तक चाय शाय होता है। तो अभी हस्बैंड गए हैं मार्केट, तो आएंगे तो चाय होगा, और चाय में कोई चाय मैं नहीं लेती हूँ, सीधे वही अपना स्पेशल चाय रहता है, दूध वाली चाय। उस चाय के बगैर तो मेरा शाम ही नहीं होता है। उस वक्त शाम के टाइम में ना कोई समझौता नहीं, वो चाय चाहिए तो चाहिए। तो वो चाय पीने के बाद जो है मूड फ्रेश होता है, खुलता है, उसके बाद फिर खाना पीना बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी दिन भर का आपने देखा कि सॉल्ट फ्री डे के दिन क्या क्या हमने खाया, तो आप भी देखें और समझें। अगर हो सके तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो खाया वो आप भी खाएं, लेकिन सॉल्ट विदाउट सॉल्ट लें जो भी खाएं, और मीठे में गुड़ लें, चीनी बिल्कुल मत लें। वेट लॉस करने के लिए सॉल्ट फ्री डे एक दिन तो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। और हमने तो बताया ना कि अभी अभी हम शादी से आए हैं, तो वहीं से हमने सोचा था कि घर जाएंगे तो सबसे पहले सॉल्ट फ्री डे करेंगे। वेट लॉस करने के लिए फ्रेंड्स सॉल्ट फ्री डे एक दिन ज़रूर लीजिए हफ्ते में, और वज़न इससे ना बहुत जल्दी कम होता है, 1 किलो 2 किलो जितना भी कम हो जाए, लेकिन कम होता ज़रूर है, तो आप ज़रूर कीजिए। और फिर क्या है कि अब शाम में तो चाय हो ही जाएगा, उसके बाद रात में चीला वगैरह अपने लिए बना लेंगे। अभी तो दिन भर काम चला लिए, मतलब दिन भर क्या, नाश्ते में चना लिया हमने, तो वो तो मेरा स्पेशल था, और बाकी सबके लिए रोटी वगैरह। और खाना जो था दोपहर का वो उसमें काम चलाया हमने, सबका जो था वही खाए, स्पेशल अपने लिए नहीं बनाया। शाम में चीला बनाएंगे, चीला अच्छा लगता है, और मेरी बेटी जो है वो चीला उसे भी पसंद है, बगैर नमक का बनाते हैं फिर भी उसे अच्छा लगता है, बोलती है आपका सॉल्ट फ्री डे कब है अम्मी, वो चीला आप उस दिन बनाती हैं ना वो हम खाएंगे, वो चीला हमें भी चाहिए। हम कहें कि ठीक है हफ्ते में एक बार तो मिल ही जाएगा, तो चलिए रात में फिर वो होगा। उसके बाद फिर सोने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ग्रीन टी ले लेते हैं, बस हो जाता है। सॉल्ट फ्री डे का पूरा रूटीन हमने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने कर लिया है उन फ्रेंड्स को तहे दिल से शुक्रिया। तो वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं, और इसके बाद जो होगा इंशाल्लाह अगर चीला का रेसिपी अगर हो सकेगा तो हम आपको ज़रूर देंगे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में चीला का रेसिपी शेयर करेंगे। तो इससे पहले भी फ्रेंड्स हमने चीला का रेसिपी आपके साथ शेयर किया है, सॉल्ट फ्री डे इससे पहले जो हमने किया था उसमें चीला का रेसिपी है, तो आप चाहें तो उससे भी देख सकते हैं, और इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो आज का भी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और ठंडी में बहुत ज़्यादा ध्यान दें अपने और अपनी फैमिली को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो फ्रेंड्स हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।